الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين بزرگو اور بھائیو اور محترم خواتین, اس وقت ہم سب دیکھ رہے ہیں آدمی دنیا کی دولت کے پیچھے پڑا ہوا ہے. دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جو کچھ اس کے بس میں ہے وہ کر رہا ہے. اس میں حلال اور حرام کی بھی کوئی تمیز نہیں رہ گئی ہے. اس کے لیے آدمی غلط سے غلط اور ناجائز طریقہ اختیار کرتا ہے, رشوت لیتا دیتا ہے. پورے ملک کو آپ دیکھیں گے کہ کرپشن میں مبتلا ہے. کہ کرپشن کیا ہے؟ دولت سمیٹنے کے کا ایک طریقہ ہے, بہانہ ہے. اور جو لوگ دولت اس طرح سمیٹ رہے ہیں اس کی کوئی حد نہیں ہے. ایک آدمی ہزاروں لاکھوں کروڑ کی دولت جمع کر رہا ہے, اربوں کھربوں روپیہ اس کے پاس آ رہا ہے. ظاہر ہے کہ جائز طریقے سے یہ نہیں آتا, بلکہ اس کے لیے غلط طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں. اور جو دولت اس کے پاس جمع ہو رہی ہے اس کے لیے ظلم, زیادتی, دھوکہ, فریب اور غریبوں کا استحصال, ایکسپلوئیٹیشن, دوسروں کے حقوق پر قبضہ کرنا, یہ جب تک نہ ہو اس طرح دولت نہیں آتی. یہ جو دولت جمع ہو رہی ہے اور اس میں طرح کا کمپٹیشن ہو رہا ہے, اگر آپ غور کریں تو یہ انسان کی ضرورت سے بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ کا لفظ بھی شاید کم ہے.
एक एक आदमी के पास जितनी दौलत है, आयश और इशरत की जिंदगी उसके पुश्तापुश्त तक गुजार सकता है, लेकिन दौलत की हवस है, दूसरों से आगे बढ़ने की हवस है। मालूम है कि हमारी जरूरतें कितनी हैं और हमारे खानदान की जरूरतें कितनी हैं, लेकिन जो दौलत सिमटी जा रही है वो खानदान की जरूरतों ही से नहीं बल्कि पुस्तापुस्तक भी काम आ सकती है, लेकिन इसके बावजूद आदमी सिमट रहा है। जाहिर है इसकी वजह से एक दौड़ जो लग गई है, तो हर आदमी ये चाहता है कि वो भी इस मैदान में आगे बढ़े, एक तरह का मुकाबला आ रही हो रही है। अब हर वक्त इसका चर्चा रहता है कि इस करप्शन पर कैसा काबू पाया जाए, गरीबों का जो इस्तेहसाल हो रहा है वो कैसे इस्तेहसाल ना हो, दौलत की मुसावी तकसीम कैसे हो, इंसाफ का रास्ता कैसे इख्तियार किया जाए कि किसी पर जुल्म ना होने पाए। इसके लिए कुरान ये कहता है कि आदमी के जहन में ये बात बिठाइए कि मुकाबले की चीज ये दुनिया नहीं है। अगर मैदान मुकाबले का दुनिया है तो आदमी क्यों पीछे रहे, बल्कि मुकाबले का मैदान आखिरत होना चाहिए। तो यही बात इन आयात में कही गई है जो सूरह आले इमरान की आयतें हैं। फरमाया गया वो सारी ओ इला मग़फिरत मिन रब्बिकुम, तेज कदमी दिखाओ, तेज चलो अपने रब की मग़फिरत की तरफ। एक दूसरी जगह कहा गया वो साबिकू इला मग़फिरत मिन रब्बिकुम, अपने रब के मग़फिरत की तरफ दौड़ लगाओ, इसमें मुकाबला करो, रेस अगर हो तो इसमें हो, मुकाबला हो तो इसमें हो। फरमाया वो साबिकू इला मग़फिरत मिन रब्बिकुम, जैसे आदमी रेस के घोड़ों को दौड़ाता है, अब तो वो भी एक सट्टाबाजी का जरिया बन गया है, तो कहा कि जिस तरह वहां मुकाबला होता है कि किसका घोड़ा आगे निकलता है, मुकाबला इसमें हो, किसमें, कि हम अल्लाह की मग़फ़िरत कैसे हासिल करेंगे, क्या तरीका इख्तियार करें कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे। हमारी जो जिंदगी गुनाहों में लतपत है, आलूद है, मासियत है, वो कैसे पाक साफ हो। हर आदमी इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करे। एक जगह फरमाया जन्नत की नेमतों का जिक्र है और वहां जो शराब मिलेगी उसका भी जिक्र है। दुनिया की शराब तो आदमी को मदहोश करती है, गलत रास्ते पे ले जाती है, लेकिन जन्नत की जो शराब होगी वो तो मुश्क अंबर से भरी हुई होगी। फरमाया वो फी जाली का फल यतना फसल मुतना फिसून, जिन लोगों को अच्छी चीजों पर कब्जा करने का जज्बा है वो इसे हासिल करें। किसके अंदर ये जज्बा नहीं है कि नफीस से नफीस चीज उसके हाथ में आ जाए। ये सड़ी शराब जिसमें आदमी अपने अकल खो दे, खानदान बर्बाद कर दे, अपने आप को तबाह कर ले, उसके लिए दौड़ रहे हो। अगर हासिल करना है तो वो शराब हासिल करो। वह फी जाली का फल यतना फसल मुतनाफिसून, उस नफीस चीज को, उस उम्दा चीज को जिसे हर आदमी हासिल करना चाहता है। उम्दा चीज होती है तो हर आदमी उस पर कब्जा करना चाहता है, कहा कि ये चीज है हासिल करने की।
तो कहा गया कि दौड़ो, आगे बढ़ो, मुकाबला हो इसमें, कंपटीशन हो इसमें, कि अल्लाह की मगफरत कैसे हासिल होगी। और कहा वो जन्नत अर्ज़ हस समावात वल अर्ज़, और उस जन्नत की तरफ बढ़ो, उसके लिए मुकाबला करो। ये दुनिया क्या है? दुनिया बहुत छोटी सी है, आखिरत के मुकाबले में हकीर है, और इस हकीर का बहुत थोड़ा हिस्सा इंसान को मिलता है। पूरी दुनिया किसी को नहीं मिली आज तक, न मिल सकती है, न मिलेगी। दुनिया का बराए नाम हिस्सा इंसान को मिलता है, कितना ही बड़ा इंसान हो। तो फरमाया कि उस जन्नत की तरफ बढ़ो, उसके लिए मुकाबला करो। ये आसमान और जमीन की उसत जो है या इसका अर्ज जो है वो उसके बराबर है, इसलिए कि इससे ज्यादा तुम समझ भी नहीं सकते कि इसकी किस्मत क्या है। जमीन आसमान ही का तस्वीर कर सकते हो तो समझो कि उसका अर्ज ये जमीन आसमान के बराबर है। तो कहा कि ये दुनिया, इस अखीर दुनिया के पीछे तुम पड़े हो, उस जन्नत की तरफ बढ़ो। वो किसके लिए तैयार की गई है? वो इद्दत लिल मुत्तकीन, अल्लाह ने उसे उन लोगों के लिए तैयार कर रखी है जो उससे डरते हैं, जो गुनाहों से बचते हैं, उसकी नाफरमानी से बचते हैं, मासियत का इंतकाम नहीं करते। तो ऐसे लोगों के लिए उसने तैयार कर रखी है वो जन्नत। जाहिर है जिस चीज के बारे में अल्लाह ताला फरमाए कि वो तैयार की गई है, उसकी अजमत का आप तसव्वुर कर सकते हैं। तो कहा कि जो लोग अल्लाह से डरने वाले हैं, उसकी नाफरमानी से बचने वाले हैं, उनके लिए ये जन्नत तैयार की गई है। मुकाबला हो तो इसमें हो, क्या ऐसी चीज हासिल की जाए, आदमी अल्लाह के पास जाए तो गुनाहों से धुला हुआ हो, मासियत से उसका दामन पाक हो, और वो जन्नत का मुस्तहिक बन जाए। वो जन्नत जिसकी उसत का हम अंदाजा ही नहीं कर सकते। हम अगर कुछ देख भी सकते हैं कि जमीन आसमान का कुछ हिस्सा देख सकते हैं, लेकिन वो उससे भी ज्यादा है, उसे हासिल करने की कोशिश करो। फिर फरमाया अल्लज़ीन युन्फिकून फिस्सर्रा वज़्ज़र्रा, वो लोग। अब आप देखिए कुरान कैसा माहौल बनाता है। एक माहौल वो है जिसमें हम और आप जी रहे हैं और रात दिन शिकायत कर रहे हैं करप्शन है, दौलत समेटी जा रही है, और एक दूसरे का इस्तेहसाल हो रहा है, गरीबों का खून चूसा जा रहा है। कहा गया ये वो माहौल हो, ऐसी सोसाइटी तुम्हारी हो जिसमें हर आदमी के अंदर खर्च करने का जज्बा हो, दौलत सिमटने का जज्बा नहीं, अय्याशी करने का जज्बा नहीं। कहा कि पूरे माहौल में ऐसी फजा होनी चाहिए, और अल्लाह के बंदे ऐसे ही होते हैं कि जो कुछ उनके पास होता है वो खर्च करते हैं, उनके खुशहाल लोग भी खर्च करते हैं, तंगहाल भी खर्च करते हैं, हर एक के अंदर ये जज्बा है, चाहे तंगी हो या खुशहाली हो या तंगी हो, क्या मैं कुछ खर्च करूं। जहां ये फजा होगी, क्या लूटने का जज्बा होगा? कहा कि ये वो लोग हैं जो खुशहाली में भी खर्च करते हैं, तंगी में भी खर्च करते हैं, हर एक के अंदर ये जज्बा है। जहां ये जज्बा हो कि मुझे खर्च करना चाहिए, देना चाहिए, वहां समेटने का जज्बा नहीं होगा। इस्तेहसाल वहां होता है जहां समेटने का जज्बा हो, दूसरे का हक मारने का जज्बा हो। कहा कि वो लोग हैं कि उनके पास जो कुछ भी है, दौलत है तो वो भी लुटा रहे हैं, गरीबी है तो अपनी विशाल घर से खर्च कर रहे हैं, इसलिए कि ऐसा जज्बा है कि दें, कुछ खर्च हो। अगर हम 1000 रुपए खर्च नहीं कर सकते तो 100 रुपए खर्च कर सकें,
करें, 100 नहीं खर्च कर सकते तो 10 खर्च करें, 10 नहीं तो 1 रुपया खर्च करें। कहा कि वो लोग हैं जो खुशहाली में भी खर्च करते हैं, अतंगी में भी खर्च करते हैं, ये समेटने वाले नहीं है। काजमीन गैज और आफिनान इन्नास, ये गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ करते हैं। यहां हाल ये है कि आदमी के अंदर इंतकाम का जज्बा है। इंतकाम का जज्बा हर वक्त गलत नहीं होता, लेकिन नुकसान पहुंचाने का जज्बा जो है ये गलत है। तो कहा कि इनका हाल ये है, गुस्से का तल्ख घूंट पी जाते हैं। गुस्से को कंट्रोल करना आसान नहीं है। तो फरमाया ये घूंट बड़ा तल्ख होता है, लेकिन वो पी जाते हैं और लोगों को माफ भी करते हैं। ऐसी फजा जिसमें आदमी दूसरों को माफ कर दे, इंतकाम लेने का जज्बा ना हो, नुकसान पहुंचाने का जज्बा ना हो, तो जाहिर है कि वो एक दूसरा ही माहौल होगा। फिर फरमाया वल्लज़ीन इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन अव ज़लमू अन्फुसहुम ज़करुल्लाह, इनसे जब कोई बेहयाई का काम हो जाता है। एक बात तो कुरान में ये बताएगी कि अल्लाह के नीम बंदे गंदे कामों में मुबतला नहीं होते, उनके बारे में कहा गया वल्लज़ीन यस्तनीबून अल्फवाहिश, कि ये वो लोग हैं जो बेहयाई के कामों से बचते हैं और बड़े बड़े गुनाह से सरजद नहीं होते। छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन अगर कभी हो जाए, कहा कि जब कभी हो जाए, इंसान है, इनकी पहचान ही यह है कि गंदे काम नहीं करते, फौश में मुबतला नहीं होते, बेहयाई में नहीं पड़ते, लेकिन इंसान है, कभी हो जाएगा। तो कहा कि अगर इस बुलंद मियार पर वो नहीं रहे, कभी हो गया इत्तिफाक, अगर कोई बेहयाई का काम इसे सरजद हो जाता है, मुकदमे चलेंगे, फैसले होंगे, इस्लामी अगर हुकूमत होगी तो वो भी कानून नाफिज करेंगे, कोई ऐसा गलत काम हो गया तो। लेकिन उससे पहले मामला यह है कि कोई अदालत फैसला करे या ना करे, जब उनसे कोई गलत बेहयाई का काम हो जाता है, जिना है, बदकारी है और कोई चीज है इस तरह की, या अपने ऊपर ज्यादती कर बैठते हैं, यानी गलत काम आदमी करता है तो अपने ऊपर ज्यादती करता है, यह बात भी जहन में रहनी चाहिए। जालिम दूसरे पर जुल्म करने से पहले असलन अपने ऊपर जुल्म करता है। तो कहा कि जब वो कोई बेहयाई का इर्तिकाब करते हैं या जुल्म का इर्तिकाब करते हैं, जुल्म हो जाता है उनसे, ज़करुल्लाह, अल्लाह याद आ जाता है उनको, अरे किसकी नाफरमानी की हमने, किसके हुक्म की खिलाफ अर्जी की। और अल्लाह को याद करने लगते हैं और फौरन अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह गलती हो गई माफ कर दे। अब माफ इस्तिग़फ़ार की जो भी शक्लें हों, एक हदीस में यह भी आता है कि गलती होने के बाद वो नमाज में खड़े हो जाते हैं,
और दो रकात नमाज पढ़ के दुआ करते हैं। अल्लाह गलती हो गई, जुर्म का यह एहसास इस्लाह के लिए जरूरी है। अगर आदमी समझे कि मैंने कोई गलती ही नहीं करे की है तो उसकी इस्लाह क्या होगी, कौन उसे ठीक करेगा? अगर हर गलती की तौजीह करने लगे आदमी तो उसकी इस्लाह नहीं हो सकती, वो तो मुकदमा जीतने के लिए होती है बात। यहां हाल यह है कि गलती की और कहा हां गलती हो गई है हमारे रब, और अल्लाह से माफी मांगने लगते हैं। फिर फरमाया वो मैं अखफिर जुनूब इल्लल्लाह, बताओ अल्लाह के अलावा कौन है जो गुनाहों को माफ करे? गुनाहों को माफ करना तो अल्लाह ही की शान है, वही माफ करता है। वलम युसिरू अला मा फअलू वहुम यालमून, कहा कि ऐसा नहीं होता कि एक मर्तबा गलती हो गई और बार बार दोहरा रहे उसे, यह नहीं होता। अगर आदमी फौरन अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो तो क्या कोई शख्स सोच सकता है कि दोबारा भी करेगा वो? अगर दोबारा भी हो जाएगी गलती तो फिर अल्लाह की तरफ पलटेगा? दुनिया उससे बासपुरस करे या ना करे, कोई अदालत सजा दे या ना दे, वो बात का मामला है, वो फौरन अल्लाह की तरफ पलटेगा और कहेगा कि गलती हो गई है। तो कहा कि वो इसरार नहीं करते, क्या हो गया है तो होने दो और करेंगे। तो फरमाया कि वो इस पर इसरार नहीं करते, वहुम यालमून, जानते बूझते इसरार नहीं करते। वहुम यालमून का एक मफहूम यह भी बयान हुआ है कि वो जानते हैं कि इसका हश्र क्या होगा। गुनाह पर इसरार का हश्र क्या होगा? तो फरमाया कि इनका रवैया यह होता है, उनकी जजा ही यह है कि अल्लाह उनको माफ कर देगा। अब आप खुद सोचिए कि जिस माहौल का यह हाल हो कि आदमी मुकाबला दुनिया के लिए नहीं आखिरत के लिए कर रहा है, अल्लाह की मगफरत की तलब के लिए कर रहा है, और कंपटीशन हो रहा है तो जन्नत तक पहुंचने के लिए हो रहा है, और एक दूसरे के हुकूक पहचाने जा रहे हैं, गरीब अमीर सब अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए और गरीबों की मदद करने के लिए तैयार हैं, गलती हो तो अल्लाह की तरफ रुजू कर रहे हैं, तो आप समझते हैं कि यही माहौल रहेगा जो आज का है? वो एक दूसरी दुनिया होगी, वो एक दूसरा आलम होगा जिसमें इंसान दूसरे को लूटने की जगह दूसरे का मददगार होगा, गुनाहों में आलूदा होने की जगह गुनाहों से बचेगा, अल्लाह की मासियत करने की जगह उससे मगफिरत का तालिब होगा। कहा कि ऐसे लोगों के लिए मगफिरत है और ऐसी जन्नतें हैं, ऐसे बागात हैं कि नीचे नहरें बह रही होंगी और इसमें हमेशा रहेंगे वो। कहा खिदमतगारों के लिए कितना अच्छा आज रहा, ऐसा आज कोई देगा जिन्होंने अमल किया अल्लाह के रास्ते में उनके लिए कितना अच्छा आज रहा। सोचे इससे अच्छा चल कोई कोई होगा, कोई दे सकेगा? मेरे दोस्तों और साथियों, कोशिश कीजिए कि वो दुनिया वजूद में आए। आज की दुनिया से लोग मायूस हो चुके हैं, लेकिन वो दुनिया दिख नहीं रही है। आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि उस दुनिया का नक्शा पेश करें, कौल से भी अमल से भी बताएं कि ऐसी भी एक दुनिया होती है। ऐसा ना हो कि दुनिया यह कहे कि जैसे और लोग दुनिया के लिए दौड़ रहे हैं ऐसे ये लोग भी दौड़ रहे हैं, और जिस तरह वो लोग गलत काम कर रहे हैं ऐसे ये भी कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों और साथियों, दुनिया उसी आलम की मुंतजर है, मुंतजर है।
और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में और आपकी हयात में खुलफा राशिदीन के दौर में ऐसा ही एक आलम वजूद में आया था। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाह मौलाना व लकुम फिल कुरान अल अजीम व नफाना व इयाकुम बिल आयात व जिक्र अल हकीम इन्नहु तआला जवादुन कदीम व मलिकुन बर्रुन रऊफुर रहीम व रब्बुना अलीम।